Good afternoon to all of See, rape is something which is a heinous crime. Right? I hope सारे लड़के भी सुने इस बात को. छोटे बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा, बट खासकर बड़े सुने. What is rape? Does anyone know anything about rape? Fair enough. Rape एक heinous crime है जो एक लड़की के साथ होता है. It's a heinous crime committed by few criminals जिनकी बुद्धि विकृति सही नहीं होती है, जो गलत डायरेक्शन के होते हैं. अब रेप क्यों होता है सोसाइटी में? रेप सोसाइटी में इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी का एक कुछ हिस्सा है, हमारे बीच के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कभी अपने अपने आप को मेंटली डेवलप कर नहीं पाए हैं, कभी उनके गार्डियंस ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कभी सोसाइटी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि ये लड़के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. उनको बस छोड़ दिया है कि भैया तुमको जो करना है तुम करो टाइप. और वो लोग तीन चार लोग मिलके आते हैं, कुछ कुछ अपना कहा कहा से सुनी सुनाई बातें एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, उसी में ही वो लोग कुछ नया डिस्कशन करते हैं. देन दे सिट टुगेदर एंड दे फील कि कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे थोड़ा अलग महसूस हो. ये उनका जो गलत माइंडसेट बन जाता है, इस माइंडसेट को रोकने के लिए ना उसका गार्डियन आता है, ना उसका टीचर आता है, ना उसका समाज आता है. ये बस उसका माइंडसेट डेवलप होते जाता है और डेवलप होके वो लोग सब लोग मिलके ऐसी हरकत करते हैं जो शर्मनाक से बहुत ही, अगर नीचे कोई शब्द होगा तो वो एक हरकत कर जाते हैं जिससे उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने किया क्या है. उनको लगता है कि ये तो मजे आ रहे हैं, बट फ्रेंकली रेप इज अ वेरी हीनियस क्राइम जो एक लड़की के साथ होता है, एंड दैट इज कंप्लीटली अनबेरेबल टू हर एज वेल एज टू द सोसाइटी. सो माय एंटायर पॉइंट इज कि सेल्फ डिफेंस इज द बेस्ट टेक्निक किसी भी असॉल्ट से बचने के लिए, बी इट सेक्सुअल असॉल्ट और एनी फिजिकल असॉल्ट. किसी भी असॉल्ट से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, ग्रोइंग स्टेजेस में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं दिमाग में, बहुत सारे इश्यूज चलते हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है. आप प्लीज अपने गार्डियंस के साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनको बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. जब तक आप बताओगे नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक वो लोग भी नहीं बता पाएंगे कि आप सही हो कि गलत हो. इसलिए एनी टाइम जब भी आपका दिल बोले कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूं या मैं कुछ गलत सोच रही हूं, आप अपने पेरेंट्स के साथ या गार्डियंस या जो भी टीचर है जिससे आप बात कर सकते हो, प्लीज आके बात करिए, अपना पॉइंट क्लैरिफाई करिए. क्योंकि जब भी कोई इंसान गलत काम करता है, उसके दिल में एक आहट होती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो. जब वो तुम्हारे दिल में आहट होती है कि तुम गलत कर रहे हो, तो वही टाइम है कि वहां अपने आप को रोकना और डिसाइड करना कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं. और ये कौन डिसाइड करेगा? ये तुम्हारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, तुम्हारे टीचर्स डिसाइड करेंगे. इसलिए जब भी मन में ख्याल आए कोई भी गलत काम करने का, कोई भी, प्लीज उस ख्याल को वहीं स्टॉप करिए, बैठिए, बात करिए, डिस्कस करिए और आगे बढ़िए. वाई मेनी क्राइम हैपन इन द सोसाइटी? क्योंकि कुछ लड़कों ने कुछ थर्ड सोचा है, कुछ करने का गलत सोच आई है, बट किसी ने उनको रोका नहीं है, इसलिए क्राइम हुए हैं. ये क्लियर है?